हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक हो गए। तो गाइस, आज MI की ओर से एक अच्छा और बजट स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है, और वो भी 5G। 5G सपोर्ट करता है ये फ़ोन, और आपको मिल सकता है बहुत इफेक्टिव प्राइस के प्राइस रेंज में। तो अगर आपको सब ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो मेहमान मत बनिए, अपनी फैमिली का मेंबर बनिए। आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस चैनल का मेंबर्स बन जाइए। यस गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये फ़ोन कौन सा है। तो ये MI 11T। यस गाइस, MI 11T ये स्मार्टफोन है जिसमें मैं आपको इसके सब कुछ बताने वाला हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन और सब कुछ। लेकिन इसके पहले इंट्रो, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज उस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। यस गाइस, हमारा मेनली जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक तो परफॉर्मेंस होता है और डिस्प्ले। क्योंकि मैं कुछ क्यों पहले डिस्प्ले बोलता हूँ पता है? क्योंकि डिस्प्ले में हमें ज़्यादातर अपनी आंखें हैं ना, वो सब कुछ जो देखने वाले हम अपना स्ट्रीमिंग गेमिंग सब कुछ हम अपनी डिस्प्ले, फ़ोन के जो डिस्प्ले है उसके साथ करने वाले। तो इसलिए डिस्प्ले अच्छी होनी ज़रूरी है। तो गाइज, इस MI 11T में हमको देखने को मिलता है 19Hz का फुल HD+ LCD डिस्प्ले। यस गाइज, इसमें शायद AMOLED डिस्प्ले नहीं है अभी तक, तो ऐसा ही फिलहाल पता चला है। और डिस्प्ले 19Hz है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और 214Hz का टच सैम्पलिंग रेट है जिससे गेमिंग वालों को बहुत ही फायदा होने वाला है। यस गाइस, उसके साथ गेमिंग खेलते खेलते अगर बैटरी डाउन हो गई तो क्या, कितनी बैटरी है? तो इसमें 5000mAh की बैटरी है। यस गाइस, 5000mAh की बैटरी, और वो भी 33W का फास्ट चार्जिंग। यस गाइस, थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, एक बजट फ़ोन है तो उसके लिए ठीक है। उसके साथ हमें इसमें कैमरा में क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको पता है इसमें 50MP का AI कैमरा मिलता है, और इसमें आप नाइट मोड, टाइम लैप्स, ऐसे शॉर्ट वीडियो सब कुछ आप इसमें बना सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। यस गाइस, और इसके साथ आपको ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, और एक अलग टाइप का कलर है जिसे आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो उसके साथ अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो सब्सक्राइब करना होगा भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो आगे हमारे जो स्पेसिफिकेशन की सीरीज है उसमें आते हैं हम कि भाई जो फ़ोन है उसमें प्रोसेसर कौन सा है। तो यस गाइस, इसमें प्रोसेसर लगा है MediaTek का Dimensity 810। यस गाइस, 810 लगा है इस फ़ोन में, जो 6nm प्रोसेसर है, जो कि एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक यही उम्मीद होगी कि जो 6nm वाले MediaTek का प्रोसेसर है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो उस फ़ोन के, अपने इंडिया के जो गेमिंग आते हैं BGMI, फ्री फायर, उसके साथ थोड़ा सपोर्ट करे, थोड़ा प्रोसेस करके अच्छा ऑप्टिमाइज किया होता तो अच्छी बात है। वो भी अपने पास तो फ़ोन आता नहीं तो हम कैसे उसको टेस्ट करें। लेकिन आप अगर चाहते कि मैं टेस्ट करूँ तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाओ, तो मैं आपको दिखा सकूँ अनबॉक्सिंग और बहुत सी मज़ेदार चीज़ें। तो उसके साथ आप, हमने 5G के बारे में बात करनी तो रह गई। यस गाइस, 5G, तो 5G है या नहीं? यस गाइस, आपने सही सुना, 5G है, 5G बैंड है, और वो भी ड्यूअल बैंड 5G। यस गाइस, ड्यूअल सिम 5G, हाँ ड्यूअल सिम 5G है, तो आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। और ये MediaTek का जो प्रोसेसर है तो बहुत सारे ज़्यादा बैंड भी आ सकते हैं उस फ़ोन में। तो ये सब तो बात हो गई इसके स्पेसिफिकेशन की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसके प्राइस क्या रखी है। तो इसकी प्राइस कितनी रखी है पता है? 664GB स्टार्टिंग प्राइस है बेस वेरिएंट की, वो स्टार्ट होती है 16,999। यस गाइस, 17,000 में ये फ़ोन आपको मिल सकते हैं। तो उसके साथ 6/128 वो सब भी वेरिएंट आते हैं। और गाइस, एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ कि इसमें जो 3GB रैम एक्सटेंडेड का सपोर्ट होता है वो भी है, तो आपकी जो रैम है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यस गाइस, और अगर ये फ़ोन आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो अमेज़न पर अवेलेबल है। तो गाइस, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो उसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जल्दी से लाइक कर दो और अपने रिलेटिव को ये वीडियो ज़रूर भेजना, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है ना फ़ोन ख़रीदने के लिए। चलो बाय बाय, जय हिंद।